दोस्तों आज की कहानी है ननद जी। आप तीज त्योहार पर माई की नेग लेने क्यों नहीं आती हो? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रुक कल तीज पर भाभी की भेजी साड़ी खाऊं, बड़ी सुंदर है, कल मैं वही पहनूंगी। तू क्या पहनेगी? तेरा सिंदारा आ गया होगा, भाभी ने भेजी होगी तेरी। वैष्णवी अपनी दोस्त रैना से बोली, क्या इस बार टाइम ही नहीं लगा बाजार जाने का? देखूंगी कुछ मिक्स एंड मैश करके पहन लूंगी। मेरी भाभी तेरी तरह थोड़े ना है, भाई पैसे भेज देता है तो हो जाते हैं तीज त्योहार। मायके भी कहाँ जा पाती हो अब मम्मी पापा तो रहे नहीं, मेरा मन नहीं लगता अब वहाँ। रैना ने उदासी भरे शब्दों में कहा, देखो ये तो सच्चाई है, एक दिन सभी के माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन मायके की वह धरोहर वह भाई भाभी के हाथों छोड़ जाते हैं। अब देखो माँ बाप तो मेरे भी नहीं है, जबकि मेरी माँ तो बहुत जल्द चली गई थी। पापा को गए हुए अभी 4 साल ही तो हुए हैं, मुझे तो परायापन नहीं महसूस हुआ। मैं और मेरी भाभी तो रात रात भर इतनी गप सप मारते हैं, पूछ मत। वैष्णवी ने सहज तरीके से अपनी बात रखी, तेरी भाभी समझदार होगी, मेरी तो मत पूछ। रैना ने अपनी नाक भो महसूसते हुए कहा, क्या अजीब सी बात कर रही हो तुम, समझदारी का ठेका केवल भाभियों का है, रिश्ते तो दोनों तरफ से होते हैं ना। तुम अपने पर लगा कर देखो, तुम भी तो किसी की भाभी हो। वैष्णवी ने रैना को रिश्तों के महत्व को समझते हुए कहा, देख वो तो मैं कभी कभी ऐसे ही बोल देती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, ज्यादा बात नहीं करती। पहले पहले बात करती भी थी तो मेरे ही मम्मी पापा की बुराई करती थी। आज मम्मी ने ये कहा, आज पापा ने इनके रहना का भाई साथ रेस्टोरेंट जाने पर टोक दिया, आप समझाओ ना। भाई मैं क्या समझाऊं, क्या मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से बिगाड़ लूं? मेरी सास ठीक बोलती है, अपने भाई से बना के रखो, भाभी तो पीछे पीछे आएगी, आखिर कल को लेन देन तो सब भाई ही करते हैं माँ बाप के ना रहने पर। रहना बड़ी रुके अंदाज में बोली, हे राम, अब जब इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है तो शिकायत क्यों कर रही हो?
तभी मैं सोचूं कि आंटी जी की चार भाभियां हैं, भतीजे भतीजियां हैं, भरा पूरा मायका है। फिर भी तीज त्योहारों में भी नहीं जाती, अगर कभी जाना पड़े भी तो एक दिन में ही वापस क्यों आ जाती है। जब घर में बहू हो तब तो आराम से दो चार दिन रुक कर आया जा सकता है। कौन सा घर में बच्चे रो रहे हैं, ओहो तो वो भी भाइयों वाली होगी। अब भाई तो नहीं बैठेंगे ना दिन भर तुम्हारे साथ, घर पर तो भाभी ही तुम्हें बरतेगी। अब जब ऐसी सोच है तो भाभियों को समा रहते समझ आ गई होगी, तो वो भी इसी सोच के हिसाब से उनकी इज्जत करती होगी कि ठीक है अपने भाई की बहन हो ना तो अब आ ही गई हो तो खाओ पियो जाओ। खैर आंटी जी को छोड़ो, तुम बताओ क्या तुमने कभी अंकल आंटी रैना के माता पिता के रहते अपनी भाभी को तवज्जो दी, जैसे मायके जा रही हो तो भाभी को अलग से फोन करके बताना, भाभी मैं आ रही हूँ, या आपका कोई प्लान तो नहीं है कहीं जाने का, कितने दिन के लिए मायके जाओगी, कुछ भी, तुम्हें अपनी परेशानी तुम्हारे माँ पिता से बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अपना दोस्त समझ के बताती होगी ताकि तुम उसे समझ सको और उसकी मदद कर सको। घर में सबको समझने में वैष्णवी ने रैना से पूछा उनको क्या बताना था। मम्मी पापा को बोलती थी मैं आ रही हूँ, वो भाई को बता देते थे, वो भाभी को बता देता होगा खाने की तैयारी वगैरह, वो वही करती थी ना। अब भाई को डायरेक्ट फोन कर लेती हो, रैना बड़ी अकड़ के साथ बोली, तुम्हें अजीब नहीं लगता क्यों, तुम्हारी भाभी खाने की तैयारी करने के लिए है, खाना तो तुम्हारी मम्मी बना लेती, बेटी तो उनकी आ रही है ना, या भाई बाहर से मंगा लेता, बहन तो तुम उसकी हो, भाभी का जब वजूद नहीं है तो तुम्हारी खातिरदारी भी क्यों करे भाई वो। और रही बात की भाई तुम्हारे तीज त्योहारों का लेन देन करता है तो तुम्हें मायके एक दिन जाने की जरूरत भी क्या है, पैसे तो अकाउंट में आ ही जाते हैं, फिर क्यों जाना। देखो रैना, माए का भाभियों से ही चलता है, माए भी बहू के आने के बाद बेटी की खातिरदारी की उम्मीद बहुओं से ही करती है। मैं तो आज तक जब भी गई हूँ अपने मायके अपनी भाभी को ही बताती हूँ, मेरी माँ तो बहू का सुख नहीं देख पाई, पापा तो थे मेरे, लेकिन मेरी भाभी ही मेरे आने की खबर घर में मेरे पापा और भाई को देती थी। मेरे भाई
पता भी नहीं रहता क्या लेना है क्या देना है, भाभी ही अपनी सांथरिय अनुसार कर देती है। एक बार मेरे पापा ने मुझे अलग से पैसे दिए थे, मैंने उन्हें टोक दिया था कि आप भाभी को दे दिया करो, वह देख लेगी क्या करना है। एक घर से सबका अलग अलग देना नहीं बनता है, देख लेन देन से किसी का घर नहीं भरता। रिश्ते सलामत रहे तो आपकी जिंदगी हमेशा जीवंत एहसासों से भरी रहती है। अब जब तुमने कभी अपनी भाभी को तवज्जो ही नहीं दी तो शिकायत कैसी, तेरी सासू माँ कितनी लालसी है ये तो सबको पता है। बैंक के अकाउंट भरने से क्या फायदा जब रिश्तों की जेब खाली हो। धन्य है तेरी सासू माँ जो ज्ञान तुझे दिया है, वही तेरी ननद को भी दिया होगा। तो क्या कल को जब वह नहीं होगी तो उनकी बेटियां अपने भाई से बनाने वाली शिक्षा का अनुकरण करेगी। तेरे घर में तो रोज कलेश होंगे क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तू अपनी भाभी की तरह इन परिस्थितियों में एडजस्ट कर पाएगी। तेरा तो अच्छा खासा रुबाब सलता है पुनीत रैना का पति के ऊपर, वो तो तुझसे ही निभा पाएगा या अपनी बहन से। वैष्णवी ने रैना को हकीकत का आईना दिखाते हुए बोला, सल छोड़ना तब की तब देखी जाएगी, अभी तो मेरी सल रही है ना। रैना ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वैष्णवी आश्चर्य सकित भी थी और ये भी सोच रही थी सच में रिश्तों में स्वार्थ की अपनी एक अलग भूमिका होती है रिश्तों को तोड़ने में। दोस्तों आपने भी कई बार इस तरह की स्थितियों को अपने आस पास के जीवन में जरूर महसूस किया होगा। आश्चर्य इस बात का होता है रहना, जैसे लोग खुद एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत के प्रति इस तरह की निम्न सोच से ग्रसित होते हैं। एक औरत ही दूसरी औरत को वह ज्ञान कैसे दे सकती है जो किसी औरत के वजूद को धराशायी कर दे। जैसे रैना की सास ने उसकी भाभी के लिए किया। जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने निभाने और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत को सम्मान देने को अपने स्वार्थों से पोषित करते रहेंगे तब तक महिला सशक्तिकरण एक दिखावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सबसे दुखदायी स्थिति आज के समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच है जो रिश्तों को जानते तो हैं लेकिन उन्हें निभाने की समझ अपने स्वार्थों के आगे खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं
शो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब